नमस्कार दोस्तों, कार्किंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टाटा के दो नए इंजन के बारे में जो कि आने वाले हैं। तो चलिए सेल्फ लगाते हैं। तो पहला जो इंजन होने वाला वो होने वाला 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो GDI इंजन, जो कि बेटर रिफाइनमेंट के साथ आएगा। पहले से इसकी जो रिफाइनमेंट और एफिशिएंसी होगी बेटर होगी। पहले लोग कहते हैं ना कि हम टाटा की गाड़ियों में इंजन रिफाइन नहीं होते, आवाज आती है, वो इसमें खत्म कर दी जाएगी। और ये पहली बार जो लॉन्च होगा वो हमारी कर्व में लॉन्च होगा, टाटा के ऑफिशियल ने ये कहा है। तो उस वजह से ये जो है सबसे पहले हमारे कर्व नाम की गाड़ी पे आएगा। बात करते हैं दूसरे इंजन की। तो दूसरा इंजन जो होगा 1.5 लीटर का टर्बो GDI होगा, ये 4 सिलेंडर में होगा। और ये आएगा हैरियर में और सफारी में। दोस्तों जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि हैरियर और अपनी सफारी किसी भी पेट्रोल ऑप्शन के साथ नहीं आती है, क्योंकि इनके पास इंजन नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि टाटा सफारी को कैमोफ्लेज में टेस्टिंग के लिए वो इसी इंजन पे टेस्टिंग कर रही है, क्योंकि इसमें आएगा जो 1.5 GDI है और उसके साथ में 170 हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा, जो कि हमारी हैरियर सफारी गाड़ी में जाएगा। अब बात करते हैं पहले इंजन की स्पेसिफिकेशन की। तो देख सकते हैं आप 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज, 1200 cc, 125 PS की पावर और 225 Nm का टॉर्क। दूसरा की बात करते हैं तो 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज, 498 cc, 170 PS की पावर, 218 Nm का टॉर्क। जैसे कि सरकार डीजल इंजन को बंद करने जा रही है, तो इसलिए सफारी और हैरियर के लिए ये नया इंजन लॉन्च किया जा रहा है। बात करें इंजन की खासियत की, तो ये एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर के साथ आएंगे, जो कि बेटर फ्यूल एफिशिएंसी दे पाएंगे हल्के होने की वजह से। इसमें गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आएगी और इसमें आएगा आपको डुअल कैम फेसिंग वेरिएबल ऑयल पंप और इसमें वाटर कूल वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर आएगा और बेटर एग्जॉस्ट आएंगे लोअर एमिशन। तो आने वाले समय में टाटा की पंच और नेक्सॉन में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जिन लोगों की शिकायत थी कि टाटा के इंजन थोड़े वाइब्रेट करते हैं, तो उनकी शिकायत कम हो जाएगी। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।